नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। आज जिलाधिकारी कार्यालय पर ज्ञापन देने आए व्यापारियों ने बताया कि हम सभी छोटे व्यापारीगढ़ आजमगढ़ पर प्रसिद्धी विद्यालय के छात्र छात्राओं के यूनिफॉर्म का कार्य सरकार की मंशा के अनुरूप एवं शासना आदेश का अनुपालन करते हुए विद्यालय प्रबंधक समिति के द्वारा निविदा में भाग लेकर पूरी प्रक्रिया पूरी कर चुके हैं और मिल द्वारा मानक का कपड़ा मंगवा लिया गया है और शिक्षा विभाग के अधिकारी बाहरी व्यापारियों के कपड़े बंटवाने में लगे हैं। बाहरी व्यापारियों के कोटेशन को बिना सैंपल के ही बंटवा कर अध्यापक लोगों द्वारा बाहरी व्यापारियों के कपड़ों का चयन करके और टेंडर क्रिया को निरस्त करके बाहरी व्यापारियों को कपड़े बनवाने में लगे हैं। हम सभी व्यापारी बैंक से कर्ज लेकर मानक के कपड़े को मंगवा कर रख चुके हैं। हम सभी व्यापारी इस कोरोना वैश्विक महामारी में आर्थिक स्थिति से टूट चुके हैं। ऐसी दशा में व्यापारी भुखमरी आत्महत्या के शिकार हो जाएंगे। व्यापारियों ने कहा कि व्यापारियों की समस्या को संज्ञान में लेते हुए शिक्षा विभाग के अधिकारी द्वारा शोषण को रोका जाए ताकि हमें न्याय मिल सके। क्या नाम भैया? सुमित, हमें ट्रेडर्स अतरौलिया से। हमें भैया क्या मामला है कि आज आप जिलाधिकारी कार्यालय? आज हम लोग इस अपने व्यापारी, पूरे जनपद के व्यापारी दुखी हैं। प्रबंध समिति विद्यालय समितियों में हमारे जो वित्तीय वर्ष 2020-21 यूनिफॉर्म वितरण के लिए कपड़ा उपलब्ध कराना था। संपूर्ण व्यापारी कपड़े को अपने स्टोर में रख लिए हैं सरकार के मानक के अनुसार। आज आजमगढ़ जनपद के उच्च अधिकारियों द्वारा बाहरी जनपद के बाहरी फर्मों से कपड़ा खरीद करने के लिए दबाव बनाई जा रही है प्रबंध समितियों को। इसकी शिकायत आपने किसी से की थी? इसकी शिकायत हम लोग पूर्व में जिलाधिकारी महोदय को व्यापार मंडल के द्वारा दे चुके हैं। तो अभी तक कोई कार्रवाई? अभी तक न कोई कार्रवाई हुई न कोई सुनवाई हुई। आप क्या चाहते हैं? हमें चाहते हैं मानक के अनुसार प्रबंध समितियों से जनपद के व्यापारियों से ही खरीदो। अगर आपकी ये मांगे पूरी ना होती तो आगे आपकी क्या? ये मांगे अगर हमारी पूरी नहीं होगी तो हमारे पूरे जनपद का व्यापार मंडल धरने पे बैठेगा और जो इसके आगे और अन्यथा कार्रवाई करनी होगी हम लोग कार्रवाई करने के लिए अपने धरने प्रदर्शन के लिए बाध्य हैं।